गांव में डीजे की गाड़ी चलाता था, तभी उसके संपर्क में आई नाबालिग। फिर एक दिन हुआ कुछ ऐसा, परिजनों के उड़ गए होश। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप MP7 न्यूज। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए रामपुरा क्षेत्र की विशेष खबर। नीमच जिले की रामपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गत माह थाने में दर्ज नाबालिग के गुम होने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से नाबालिग को भी दस्तयाब किया गया है। पुलिस को यह बड़ी सफलता गुजरात के राजकोट में मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 4/6/2022 को फरियादी परिजनों द्वारा उनकी नाबालिग लड़की के अपहरण संबंधी रिपोर्ट करने पर थाना रामपुरा पर अपराध क्रमांक 115/2022 धारा 363 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया गया था, जो परिजनों द्वारा संदेही व्यक्ति के द्वारा भगा ले जाने की शंका जाहिर की, जो तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते जो संदेही व्यक्ति के घर ग्राम जेतुसर थाना रिंगस जिला सीकर राजस्थान पर दबिश देते संदिग्ध व्यक्ति फरार होना पाया, जो मुखबिर तंत्र स्थापित कर तथा साइबर सेल की मदद लेकर अपहर्ता की लगातार तलाश करते बांसवाड़ा जयपुर भिलवाड़ा आदि संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन अपहर्ता व संदेही का कोई पता नहीं चला। बाद प्राप्त मुखबिर सूचना एवं विशेष तकनीकी का उपयोग कर साइबर सेल की मदद से अपहर्ता व संदेही का पता राजकोट गुजरात में चलने पर थाना प्रभारी द्वारा टीम गठित कर तत्काल रवाना होकर अलग अलग स्थानों पर पतारसी करते निर्माणाधीन पाक्सो एयरपोर्ट राजकोट के पास से अपहर्ता को आरोपी के कब्जे से दस्तयाब किया। अपहर्ता के कथन लेते अपहर्ता ने बताया कि आरोपी ताराचंद अपहर्ता के गांव में डीजे गाड़ी चलाने का कार्य करता था। इस दौरान दोनों में संपर्क हुआ, जिसे शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर राजकोट गुजरात ले गया, जहां आरोपी द्वारा अपहर्ता को मजदूरों के लिए बने ईंट के कच्चे घर में बंद करके रखता था। प्रकरण में अपहर्ता के कथन के आधार पर धारा 366 342 भादवी व 11/12 पाक्सो एक्ट का इजाफा कर आरोपी ताराचंद जाट को गिरफ्तार कर न्यायालय मनासा पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय द्वारा जेल दाखिल करने के आदेश दिए, जिसे जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक गजेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक कृष्ण सिंह यादव, आरक्षक सुरेंद्र सिंह चौहान, आरक्षक विजय गुज्जर, महिला आरक्षक मानसी गुप्ता, प्रधान आरक्षक प्रदीप शिंदे, आरक्षक लाखन सिंह, आरक्षक कुलदीप साइबर सेल नीमच की सराहनीय भूमिका रही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।